दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकेंड एक्टिविटी की। तो सेकेंड एक्टिविटी में हमसे क्या बोलते हैं कि टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन अ प्लास्टिक बैग। आपको कुछ कटे हुए प्याज लेने हैं, मतलब उनको अच्छे से काट देना है, ठीक है, और उसके बाद उसे एक प्लास्टिक के बैग में भर देना है विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ। और कुछ आपको सफ़ेद क्लोथ या फिर जो भी आप क्लोथ लेना चाहें, क्लीन होना चाहिए वो, और उसको उसमें रख देना है। टाई अप द बैग, मतलब उसको एक बैग में भर के टाइटली, और उसको फ्रिज की में पूरी रात भर, ओवरनाइट इन द फ्रिज, पूरी रात भर आपको उसे फ्रिज में रख देना है। तो पूरी एक्टिविटी ये कहती है कि आपको पहले क्या करना है, कुछ ऑनियंस लेने हैं, उनको अच्छे से काट देना है, उनको एक प्लास्टिक बैग में भर देना है, और उनके साथ कुछ कपड़े रख देने हैं, स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स मतलब कटे हुए पतले पतले स्ट्रिप्स जो काटते हो वो, उन्हें रख देना है, और पूरी रात उसे फ्रिज में रख देना है। यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे बोलता है कि ये जो क्लोथ के स्ट्रिप्स है ना, यही आपको यूज करने में मदद करेंगे एसिड्स और बेसिस का टेस्ट करने के लिए। मतलब अब आप इन जो क्लोथ्स के स्ट्रिप्स हैं, इसकी मदद से ये बता सकते हैं कि सामने वाला एसिडिक सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस है, और ये आप करोगे उसका स्मेल चेक करके। पहले आपको कपड़े का स्मेल सूंघ लेना है अच्छे से कि किस स्मेल का आ रहा है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन अब जो है वो ये है कि अगर जो आपने मतलब सामने वाला सब्सटेंस लिया है वो एसिडिक है तो ऑनियन की ही स्मेल उसमें आएगी, और अगर वो बेसिक है द ऑनियन लूजेज इट्स सेंट एंड बिकम्स ऑर्डरलेस। एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको। एन ऑनियन इज एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। जो ऑनियन होता है वो स्मेल की बेसिस पे काम करता है, तो उसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। ऑल फैक्ट्री का मतलब हो गया जो स्मेल के ऊपर काम करे, ठीक है। सिंस इट हैज टू यूनिक ऑर्डर्स, इसके दो यूनिक ऑर्डर्स होते हैं जब ये एसिड और बेसिस के प्रेजेंस में आता है। जब ऑनियन एसिड्स के प्रेजेंस में आता है तो फिर आपको उसका नेचुरल फ्लेवर का जो उसका स्मेल होता है वो देखने मिलता है, और जब वो बेसिक सॉल्यूशन या फिर सब्सटेंस के पास जाता है तो वो ऑर्डरलेस हो जाता है। अब हम वापस आते हैं एक्टिविटी पे। तो हमें बोल रहा है कि क्या करिए कि टेक टू ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। और पहले तो आप उन्हें अच्छे से सूंघ लीजिए स्ट्रिप्स लेके, और उसके बाद फिर उसके ऊपर एक HCl डाल दीजिए सॉल्यूशन, और दूसरे वाले में NaOH डाल दीजिए। जो HCl होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और NaOH जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो जो एसिडिक है उसमें आपको ऑनियन टाइप का ही फ्लेवर मिलेगा, और जो NaOH है उसमें आपको ऑर्डरलेस मिलेगा, मतलब कोई कोई स्मेल नहीं मिलने वाली है। ये इसकी पूरी एक्टिविटी है। इसके बाद नीचे, यहाँ पे एक्टिविटी खत्म हो गई, नोट योर ऑब्जर्वेशन। इसके बाद थोड़ा सा और काम करने बोलता है कि आप क्या करिए, नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस, कुछ वेनिला एसेंस ले लीजिए, क्लोव ऑयल ले लीजिए, और इनका ऑर्डर चेक करिए। तो इसका भी यहाँ पे आपको मैंने ऑब्जर्वेशन लिख के दे दिया है, सेम ही है कि जो क्लोव ऑयल है ये क्या है, बेसिस है। तो इसमें क्या है कि क्योंकि ये बेसिक नेचर का है तो इसमें कोई भी आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। ऑनियन जो है वो एसिडिक नेचर का है, और यहाँ पे आपको जो वेनिला एसेंस है ये क्या, एसिडिक नेचर का मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप नोट्स बनाते हुए चल लें तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब एक्टिविटी 2.3 की बात करते हैं।